हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसका यूज़ करके आप अपने फेस से जो विंटर्स में जो कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कईयों की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, कईयों को पिगमेंटेशन हो जाती है, कईयों को टैनिंग हो जाती है और जो ग्लो है वो कम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसका यूज़ करके आप अपनी सभी प्रॉब्लम से एक दिन के अंदर ही छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जो मेरी वीडियो होती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आइए आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट। तो दोस्तों, हमें आज की जो वीडियो के अंदर रेमेडी है उसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है खाली बाउल। बाउल लेने के बाद जो हमारी पहली चीज है वो है हमारा एलोवेरा जेल, वो लेना है हमें आधा चम्मच। और इसके बाद जो हमारी दूसरी और आखिरी चीज है वो है हमारा रोज वाटर, वो हमें लेना है एक चम्मच। और इस तरीके से इसे मिक्स कर देना है। ये दोनों ही जो चीजें हैं हमारी स्किन से टैनिंग को हटाती हैं, ड्राइनेस को कम करती हैं और दाग धब्बे होते हैं उन्हें धीरे धीरे कम करती हैं और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाती हैं। तो ये जो रेमेडी है ये बनकर रेडी हो गई है। अब मैं बताऊंगी कैसे इसे यूज करना है। वो बनकर रेडी हो गई है, अब मैं बताऊंगी क्या करना है आपको। इस तरीके से धीरे धीरे अपने फेस पर मसाज करनी है। ये मसाज आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रेमेडी को अपनी पूरी बॉडी पर कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो आपको एक बार के यूज से ही मिलेगा। आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो। ये आपकी स्किन से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या उसके जो निशान हो जाते हैं उनको भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। आपको ये सिर्फ 2 से 3 मिनट मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। और अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो ये उनको भी कम करता है। तो बस आपको इतना ही करना है। ये मसाज आपको डेली करनी है 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते तक मसाज करेंगे और आपको अच्छा सा इसका रिजल्ट मिलेगा। जो देखे आप खुद देखेंगे जो आपकी स्किन है वो पहले से कितनी बेटर हो गई है। और इसको करने के बाद आपको गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो आपको लगा लेना है। और इसके बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट धूप में ना निकले इसको लगाने के बाद। तो जो ये मसाज है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने देखा इसको बनाना और अप्लाई करना कितना इजी है। आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही यूज करना है, मसाज करनी है जैसे मैंने करके दिखाई है। और इसको आप दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, नहाने से पहले, नहाने के बाद, सोने से पहले, या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है उसी टाइम आपको सिर्फ दिन में इसको एक बार यूज करना है और आप खुद इसका अच्छा सा रिजल्ट देखेंगे 2 से 3 बार के यूज से ही। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।